बाहुबली विधायक अंसारी से जुड़े लोगों पर पूरे प्रदेश में जगह जगह कार्रवाई हो रही है। योगी सरकार से मिले आदेश के बाद पुलिस मुख्तार अंसारी से जुड़े लोगों की प्रॉपर्टी को एक के बाद एक धराशायी कर रही है। इस क्रम में मऊ जिले में भी अवैध वसूली माफिया के रूप में चिन्हित सुरेश सिंह की संपत्ति के खिलाफ एक्शन लिया गया है। सुरेश सिंह की कुल 9 अलग अलग गाड़ियां सील की गई हैं। एसपी ने बताया है कि सुरेश सिंह डी 34 गैंग का सदस्य है और पुलिस के डेटाबेस में मुख्तार अंसारी के सहयोगी के रूप में चिन्हित है। एसपी के मुताबिक 9 वाहन सीज किए गए हैं जिनकी कीमत 1.5 करोड़ के आसपास है। आइए सुनते हैं कि इस जब्ती की कार्रवाई के बाद एसपी ने क्या कहा। डी 34 गैंग के सदस्य सुरेश सिंह पुत्र लल्लन सिंह निवासी पकड़ी थाना घोसी कि ये रहने वाले थे, वर्तमान में सिटी में रह रहे थे। ये अवैध वसूली गैंग के सरगना थे। इनका ताल्लुकात मुख्तार अंसारी के सहयोगी के रूप में ये चिन्हित हैं हमारे यहाँ से। गैंगस्टर एक्ट में ये जेल में थे। 14(1) के तहत इनकी प्रॉपर्टी सीज की गई जिसमें 9 इनके वाहन आज सीज किए गए हैं पुनः, जिनकी कीमत 1.5 करोड़ के आसपास है। गाड़ी का प्रकार है बस UP54T1566, हुंडई क्रेटा UP54AV, टाटा इंडिका UP54T5004, हीरो ग्लैमर UP54N3444, हीरो ग्लैमर UP54Q4144, बस UP54D1399, बस UP61AT072, स्प्लेंडर UP54J1703, स्कॉर्पियो UP54J5004। इस तरह कुल सभी वाहनों की अनुमानित कीमत 1.5 करोड़ 40 हज़ार रुपया है जिसको कि सीज किया गया है। सर पिछले दिनों भी पिछले दिनों भी 4 बसें इनकी सीज की गई थी, उसकी कीमत भी 85-86 लाख रुपए आकी गई है। सर जिले तो जिले में इस तरह से ये सुरेश सिंह जो कि इन अवैध वसूली गैंग के सदस्य थे, इन पे एक प्रभावी कार्रवाई की मऊ पुलिस द्वारा की गई है और इनकी सारी गाड़ियां जो शेष गाड़ियां और हैं 28 गाड़ियों का सीजर जिलाधिकारी मऊ के यहां से प्राप्त हुआ था, शेष गाड़ियों को भी शीघ्र ही सीज किया जाएगा। और अभी है अवैध वसूली गैंग में और भी सदस्य जो हैं उनको आइडेंटिफाई करके, कुछ आइडेंटिफाई हैं कुछ और नए आइडेंटिफाई करके उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि मुख्तार के करीबियों के साथ उनके परिवार की भी कथित अवैध संपत्तियां प्रदेश सरकार के निशाने पर हैं। योगी सरकार ने संकेत दिए हैं कि आने वाले वक्त में ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। ऐसी ही हमारी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।